नमस्कार। आज एमसीसी राउंड 3 का मॉप अप राउंड, जिसे हम पहले कहते थे आज भी कहते हैं, उसका चॉइस लॉकिंग होगा 4 बजे से और पेमेंट है 3 बजे तक और फ्रेश रजिस्ट्रेशन 12 बजे खत्म हो गए हैं। और जैसा कि मैंने ईमानदारी से बोला, कुछ बातें, कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए छोड़ते हैं, अदरवाइज हु विल पे अस। यूट्यूब के व्यूज से कोई इनकम नहीं होती है। सो नाउ लेट मी टेल यू स्टिल दिस स्ट्रेटजी, कि बहुत फोन आ रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि फिर मैं बता देता हूँ। सो देखिए, एक तो ना हमें बार बार समझना पड़ेगा, जब मैं लोगों को बताता हूँ, आज से नहीं 3 महीने से इस सीजन के लोगों को, सबको लगता था मेरे 250 नंबर है जी यूपी में, तो मुझे KD मेडिकल कॉलेज मथुरा मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मिला था और इस साल वो कट ऑफ सब 100 मार्क्स ऊपर चली गई, जस्ट बिकॉज यूपी की फीस नहीं बढ़ी, हरियाणा की फीस बढ़ गई, राजस्थान की फीस पहले से महंगी है। सो दीज डायनामिक्स कैन ऑलवेज हैपन। अब इस साल जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स खाली पड़ी है। ऑफकोर्स राउंड 3 में आते आते हम जानते थे कि NRI की सीटें फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज तो खाली रहती थी। कस्तूरबा की बात करें, हमदर्द की बात करें, सिम्बायोसिस की बात करें, मुलाना की बात करें, लेकिन जो एक नॉर्मल सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होती थी। एंड डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा की वजह से इस समय सरकारी सीटें भी बहुत सारी अवेलेबल है। तो आपको बहुत इंटेलिजेंस और बहुत होशियारी से ये राउंड भरना है। कुछ मैं शेयर सकता हूँ कि मैं तकलीफ समझ सकता हूँ उनकी, कि कोई 595 नंबर वाला है, अब उसको लग रहा है कि मैं सिम्बायोसिस लेके खत्म करूं, स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड है तो, क्योंकि पक्का मिल जाएगा और रिजनेबल फीस है उसकी, मेरा 60 लाख में काम हो जाएगा, या मैं सब गवर्नमेंट भरूं, क्योंकि एक बार मेरे को अगर गवर्नमेंट के नीचे सिम्बायोसिस मिल गया तो मुझे लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर मेरे को और दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्या करूं। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं और आप रूल जानते हैं कि अगर एक बार मॉपअप में आपको सीट एलोकेट हो जाती है और आप नहीं लेते हैं तो फिर आप अगले राउंड में जा नहीं सकते। बात समझ रहे हैं, ये एक फैक्ट होता है, मतलब ये MCC काउंसलिंग का रूल है। तो आपको अगर सिम्बायोसिस मिल गया, आप ले ना ले, आप अगले राउंड में जा नहीं सकते। बेसिकली मॉपअप में आपको जो भी सीट मिल जाएगी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो ये एक कंफ्यूजन है जिसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना है कि मैं ले लूं, मैं नीचे रखूं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सरकारी में स्ट्रे मॉपअप आए। देखिए मोस्टली PWD सीट्स वगैरह थर्ड राउंड में कन्वर्ट हो रही है, बहुत कम होगी इस बार, लेकिन फिर भी क्यों होगा। मेरे भी काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 पहले भर रखा है और उनका भी स्टेट्स राउंड 2 में हो गया एडमिशन, बट दे आर नॉट वेरी श्योर। MCC तो खैर मनाई कर रही है सबको, और तभी राउंड 3 लेट हुआ है कि भाई अब सारे इंडिया के स्टेट्स के राउंड 2 खत्म हो चुके हैं, आपको जहां जहां सरकारी सीट मिल गई अब लेके बाहर हो जाइए। लेकिन इसमें कानून ये है कि आप फिर भी ले सकते हैं और फिर भी आप अपने स्टेट से जाके रिजाइन कर सकते हैं, यूपी में, राजस्थान में, कहीं पर भी फॉर दैट मैटर। आप रिजाइन करिए, अपनी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, जो आपने सरकारी फीस दी है वो चली जाएगी, वो वैसे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो स्ट्रीम ऑफ में भी जाने का चांस है, तो वो सब चीजें आपको कंसीडरेशन करनी पड़ेगी कि आप कितने भरे मॉपअप में। याद कीजिएगा कि आप चॉइस लिंक चेंज ही कर सकते हैं स्ट्रीम मॉपअप में, खासकर हम सरकारी की अगर बात कर रहे हैं, राइट। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड तो खैर होती ही नहीं है। सो काफी डायनामिक्स है जो पिक्चर में है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन ऑनलाइन स्ट्रीम मॉपअप राउंड, एज वेल एज देयर इज नो फ्रेश चॉइस फिलिंग। तो जो आपने मॉपअप में चॉइस फिलिंग कर दी वही रहेगी, राइट। तो बड़ा दिक्कत है, बड़ी मुश्किल है कि भाई क्या करें, है कि नहीं। और जैसे ही आपको सीट मिल गई या तो ले देंगे, नहीं तो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करके बाहर हो जाएंगे। तो देखिए मैं ब्रॉडली बताऊं, जो लोग जो भाई टच एंड गो में है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आई थिंक यही एक स्ट्रांग ओपिनियन का टाइम है कि आप जो आपको डीम्ड मिल जाएगी अच्छी या सस्ती, किसी के लिए सस्ता इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, या मैं वेट करूं कि मुझे मॉपअप नहीं तो स्टे मॉपअप में सरकारी मिलने के पूरे चांस है। और मैं बाबा लोगों को समझाता हूं, लोगों को लगता है कि ये बड़ा सिंपल सवाल है जवाब देने का, या लेकिन सर यही सिंपल सवाल का जवाब देने के लिए ही, अगर हम कहते हैं कि हमने किसी से काउंसलिंग फीस अगर 25,000 रुपए ली है तो शायद 20,000 रुपए तो इसी चीज के है ना, इस क्वेश्चन का जवाब देने के, कि मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूं कि आप सिम्बायोसिस या हमदर्द ले लीजिए या आप गवर्नमेंट के लिए वेट कीजिए और मॉपअप में सिर्फ गवर्नमेंट भरिए, पहली बात। और दूसरी बात, मॉपअप में भी गवर्नमेंट कितने भरिए,
अगर मैं मोटा मोटी पूरी जनरल के साथ साथ 24 सीटें हैं तो क्या मैं सारी भर दूंगा? मैं नॉर्थ इंडिया का हूं और मुझे पक्का, मेरे 615 नंबर है और मुझे पक्का कोई केरला का तमिलनाडु कॉलेज मिल जाएगा जो शायद मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं स्ट्रीम अपअप तक वेट कर जाऊं तो मुझे नॉर्थ इंडिया कॉलेज मिल जाएगा, वैसे वर्षा। अब ये जो डिसीजन है, मतलब मैंने लोगों से कई बार समझाता हूँ, ऑफकोर्स बार आप लोगों में सेल्स कर रहा हूँ, पहली बात तो आपको डिसीजन लेने हैं। चलो ये समझा दूं कि मॉपअप में आप जो भरेंगे, भाई चॉइस लिस्ट है मॉपअप में रहेगी, तो मॉपअप में आप सारे सरकारी भर दे कि आधे भरे ताकि वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर स्ट्रे मॉपअप में भी वो, उसके लिए मैं एलिजिबल रहूं। क्योंकि स्ट्रे मॉपअप में डेफिनेटली कुछ सीटें तो आएंगी ही जो स्टेट्स वालों ने ऑल इंडिया कोटा भर के ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, और मैं भी जानता हूं ये कर रहे हैं। सिमिलरली कन्फ्यूजन है सरकारी ले लें कि टॉप क्लास या सस्ती वाली डीम्ड ले, सस्ती तो डीम्ड एक ही है सेम प्रोसेस। तो ये जो फैसले है ना, ये फैसले करने के लिए जो हम आप लोगों की हेल्प करते हैं, जो शाम को 11 बजे तक का टाइम है, और मैं भाई अपने क्लाइंट्स को हाथ जोड़ के विनम्रता से कहता हूँ कि लोगों को लगता है कि सर एक ही सवाल तो पूछ रहे हैं, आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो हमारी सालों साल का एक्सपीरियंस और मेहनत है, तो वो एक जवाब ही तो लाखों रुपए का है, क्योंकि आपके बच जाएंगे ना। अगर किसी को सरकारी पक्का मिलने वाला है वो डीम्ड सिम्बोसिस नहीं लेगा तो आपके 50 लाख का फायदा हो रहा है, लेकिन अभी 25,000 फीस देने में दर्द होता है। सिमिलरली आपको केरला या तमिलनाडु के इंटीरियर्स में जाने से हम बचा लेंगे और आपको नॉर्थ में भी कॉलेज मिल जाएगा स्ट्रे मॉपअप में नीडेड। तो ये डिसीजन लेने के लिए, ये सपोर्ट करने के लिए लोगों को लगता है 5 मिनट में बता दिया, पर ये 5 मिनट जो है ना, ये बड़े एक्सपीरियंस से आते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंस से आते हैं। और आप जितने हमारे क्लाइंट्स हैं या मेरे चैनल पे आप देखिए, आई एम वेरी हैप्पी, हमारा जो जिन से हमने ऑल इंडिया कोटा 2 में सीटें छुड़वाई थी उनको ये कह के कि आप चिंता मत करो आपको राउंड 3 में सीट मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ देम को तो अपने स्टेट के अराउंड 2 में सीट्स मिल गई हैं, आईपी में सीटें मिल गई हैं हमारे ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट्स को, खासकर जनरल को भी मिली है, जनरल वालों के हमने भी 11,000 रुपए बचवाए, खैर बची गए भाई चांस हो गया, ऑल इंडिया कोटा 3 डिले हो गया, वरना जब ये ओरिजिनल टाइमलाइन थी जिसमें आईपी से पहले होना था तो वो हमारा कॉन्फिडेंस था। और मेरे क्लाइंट्स हैं जो शायद इस चैनल पे कमेंट करते हैं विद लाइक, कि उनको मैंने बोला सर मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ आपको आईपी मिल जाएगा, आपको ऑल इंडिया कोटा में 11,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो उनकी 11,000 रुपए बचवाए ना हमने, उसी के लिए हमने भी पूरी फीस ली है। तो सिमिलरली थैंकफुली वो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई, क्योंकि पहले तो 16-17 को आईपी था और 15 तारीख को चॉइस फिलिंग खत्म हो रही थी एमसीसी की, 14 को लास्ट की, 14 से 16 हुई, 16 से 19 होगी, तो वो इशू तो सॉल्व हो गया, सबने आईपी टेस्ट कर लिया और अब वो ऑल इंडिया कोटा भर रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं, खैर और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस मामले में वो है डीम्ड का, फिर से समझिए इस साल जो हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ, ठीक। तो जो रूल बनाए गए ना, जब आप ब्रोशर को देखते हो या छोटे से नोटिफिकेशन को देखते हो कि टाइम टाइम सीट भेजी जाएंगी, देखिए ये रूल जो बने हुए हैं जो एमसीसी में सरकारी संस्था, ये 2 साल पहले तक थे, 2019 तक, जब तक एक भी सीट खाली नहीं जाती थी इंडिया के किसी भी कोने के किसी भी कॉलेज की। 2020 में भी यही हालत था, शायद 500 सीटें बच गई होंगी, बट इस साल ऐसा लग रहा है कि टोटल मिला के कोई बड़ी बात नहीं 500 या 1,000 तक तो प्राइवेट सीट खाली रह जाए। हम सब उन कॉलेजेस के टच में हैं जिनको ये डर सता रहा है। अब पहले तो फिर ये रूल था कि आप एक स्टूडेंट हो भाई 160 मार्क्स वाले, बहुत नीचे हो आप, आपको कोई सीट नहीं मिल रही, तो मॉपअप में आपने सारी चॉइस फिलिंग कर दी, सारे ड्यूम भर दिया आपने। तो आपको भी डिफरेंस करना पड़ेगा ड्यूम्ड में और सरकारी में, क्योंकि आप देखा ना हमने स्ट्रे मॉपअप तो सरकारी भी ऑनलाइन कराएगा, सबके लिए कराएगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग आप चेंज नहीं कर सकते और जिसको मॉपअप में सीट मिलेगी वो बाहर हो जाएगा काउंसलिंग से। लेकिन डीम्ड में भी रूल सेम रहेगा, पर डीम्ड में अब डीम्ड इंडिविजुअल काउंसलिंग कराएगा स्ट्रे मॉपअप में, अपने अपने कॉलेज में कराएंगे वो लोग। पहले क्या होता था कि जैसा मैंने कहा कि एक स्टूडेंट ने सारे भरे कुछ भी नहीं मिला तो उसके नाम को भेजा जाता था हर डीम्ड में कि हाँ भाई ये एलिजिबल है क्योंकि इसने मॉपअप में आपके लिए अप्लाई करा था। अब इस साल तो हम जानते हैं कि सीटें भरनी रही है, तो आप स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है सारी डीम्ड भरने की मॉपअप में, आप मॉपअप में जो आपको पसंद है ना 7, 8, 9 कस्तूरबाज एंड मणिपाल टाटा एंड सिम्बियोसिस एंड हमदर्द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट या रिम्स महाराष्ट्र वाला पिम सॉरी, आप ये भर सकते हैं और बिना नीचे वाली महंगी डीम्ड भरे भी आप उसके लिए स्ट्रीम में एलिजिबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, रूल तो नहीं कहता भाई, मैंने कहा कि लाइफ इज वेरी डायनामिक,
तो जिस तरह स्टार्ट होता है जब एमबीबीएस सीजन, तो होता है कि भाई 50% पासिंग राइट, फिर बीडीएस की सीटें जब बिल्कुल खाली चल रही होती है तो 10-10% कम हो जाता है, जनरल कैटेगरी 40%, नॉन जनरल 30% में अलाउड हो जाता है कि आप बीडीएस में एडमिशन ले लो, क्योंकि बीडीएस कॉलेजेस प्रेशर डालते हैं हमारी सीटें नहीं भर रही है। सिमिलरली जब डीम्ड की सीटें मॉपअप में भी नहीं भरेंगी, जिनकी हम बात कर रहे हैं नेगोशिएशन की कम फीस पे उतरने की, तो वो एमसीसी रूल चेंज कराएंगे कि नहीं भाई, जिन लोगों ने मॉपअप में हमारा नाम नहीं भरा था उनको भी आने दो हमारे कॉलेज में, और उस मौके पर भी ही आपको नेगोशिएटेड कम पैसे की सीट मिलेगी। तो बार बार मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि जिनको अब प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए नेगोशिएटेड कम फीस में, कि अब शायद टाइम आ गया एक्शन लेने का अगले मंडे से परसों से, और फिर हम देखेंगे कि क्या पोजीशन चल रही है, क्या चल रहा है, या एमसीसी का राउंड 3 भी खत्म हो जाने दीजिए। पर चूंकि अब एमसीसी का राउंड 3 लेट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस 5-day डिले, एक्चुअली 14 के बदले 19 को जो आज उनकी चॉइस फिली हो रही है, चॉइस लॉकिंग, वरना अभी तो रिजल्ट आ चुका होता एमसीसी राउंड 3 का, और फिर आइडिया लगना शुरू हो जाता कि कितनी डीम्ड की सीटें अभी भी ऐसी है जिनके लिए किसने अप्लाई नहीं करा। देखिए राउंड 2 में तो यही हुआ ना कि अगर किसी डीम्ड में 150 सीटें हैं तो एप्लीकेशन 120 थी, तभी तो खाली रह गई उनकी सीटें, कि 150 लोगों ने पूरे ने अप्लाई तक नहीं करा। तो ये भी पता चल जाएगा मॉपअप के बाद। सिमिलरली हर स्टेट से मॉपअप स्टार्ट होंगे मंडे से, एक आध के फॉर्म लॉन्च हो चुकी है पंजाब में सेक्टर, बट मोटा मोटी नेक्स्ट वीक वुड बी द एक्शन टाइम फॉर स्टेट मॉपअप ऑल्सो राइट। और इस सबके दौरान ही पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट मिल रही है, आपको नेगोशिएटेड सीट लेने की जरूरत है, या आपको नॉर्मली ही हरियाणा में सस्ती सीट मिल जाएगी 72-73 लाख के पैकेज में, बिकॉज हरियाणा में तो सारी एनआरए सीटें होती है हर प्राइवेट कॉलेज में, तो 100 के करीब सीटें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी मॉपअप राउंड ऑफ हरियाणा में। सिमिलरली हर स्टेट में अब सीट्स निकलेंगी मॉपअप में, तो आप वो भी भर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी होती है जी, आप देखिए करिए खुद से, और हमारी मदद चाहिए। तो लोग कहते हैं कि सिर्फ टाइम बचाए कितना है, मैं ये कहता हूँ कि इट्स अबाउट द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम दैट आपको हमारा चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब काउंसलिंग के 2 में से 1.5 महीना हो गया है तो जो आपकी फीस 25,000 दीजिए 5,000 में काम कर लो राइट, क्योंकि अब भी तो आपके ऊपर बहुत टाइम जाएगा, जो भी आप इंडिविजुअल लोग हो तो उसके हिसाब से फीस होती है। फीस कभी भी टाइम ड्यूरेशन को देखकर नहीं होती है कि पिछले 1.5 महीने में, तो उसके हिसाब से आप भी रीजनेबल रहिए जिस भी काउंसलर को आप लें, और वो चाहे कि वो काउंसलर आपको सही सलाह दे, सटीक सलाह दे, दिमाग वाली सलाह दे। हवा में बोलना तो बहुत आसान है ना, पर मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे किसी भी बच्चे का, मोस्टली शायद इस सीजन में किसी का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खराब नहीं हुआ है, किसी का भी शायद, या किसी का भी ऐसा नहीं हो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब हो गया हो। जिस एक वो गए हैं स्टेट में, यूपी में गए हैं, या उत्तराखंड में गए हैं, या डीम्ड में गए हैं, तो वही, या पंजाब में गए हैं, राजस्थान में, तो वही पैसा सिर्फ लगा। ऐसा नहीं हुआ कि 2 जगह पैसा दे दिया था, 2 जगह सीट मिल गई, 1 जगह ली और 1 जगह पैसा खराब हो गया। एक भी स्टूडेंट का हमारे अभी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब नहीं हुआ, और इसलिए हमारी सबसे बड़ी जीत है। और इसी के हिसाब से जो मैंने आपको डीम की स्ट्रेटजी बताई उसको आप फॉलो कीजिए, और फिलहाल आप सारे मत भरिए, क्योंकि अगर सारे भर दिए आपको एलोकेट हो गया तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा। या अगर आप ये ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो गया उस डीम यूनिवर्सिटी के साथ और उसने कहा है कि भर दो भाई और हम आपको नेगोशिएटेड फीस में, आपका लिखित बोनाफाइड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो आप भर सकते हैं, नहीं तो वेट कीजिए। स्ट्रीम मॉपअप में आपको एक तरह से दोबारा फ्रेश चॉइस फिलिंग कह लीजिए डीम्ड में करने को मिल जाएगी, क्योंकि डीम्ड की सीटें खाली पड़ी रहेंगी, आपको सस्ते फीस में डीम्ड और हफ्ते के बाद मिल जाएगा 27 तारीख के बाद, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और हमारी प्रीमियम काउंसलिंग लेना चाहें तो 9643362320। अब चूंकि लास्ट सीजन आ चुका है, मैं खुल के बता भी रहा हूँ कि हमारा आपकी हेल्प करने का जो प्राइस रहेगा, आपको ये नेगोशिएटेड गुड सीट दिलाने का, वी हैव नाउ चार्जिंग अ फ्लैट 20,000 रुपीज एज फीस। आप बात करेंगे, वो फीस पे करेंगे हमें, तो हम आपके लिए काम करना शुरू करेंगे, नहीं तो वो जो छोटी फोन कॉल वगैरह वो सब अब बंद हो गई है, बिकॉज सब क्रिटिकल टाइम आ गया। ठीक है, धन्यवाद।